everyone, welcome back in your business study class. Today we will continue our previous topic, dimensions of business environment. Second dimension of business environment is social environment. Now, what is the meaning of social environment? It refers to the social trends, social values and social traditions or custom that are present in a country. एक कंट्री में जो सोशल वैल्यूज होती हैं, जो ट्रेडिशंस फॉलो होती हैं, जो कस्टम फॉलो हो रहे होते हैं और जो सोशल ट्रेंड होता है उसको हम बोलते हैं उस कंट्री का सोशल एनवायरनमेंट. ओके, सोशल एनवायरनमेंट मींस जो सोशल ट्रेंड है एक कंट्री के, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम हैं, उस कंट्री के जो सोशल वैल्यूज हैं, उन सबके ग्रुप को, उन सबके एडिशन को हम क्या बोलते हैं, सोशल एनवायरनमेंट. और एक बिजनेस को उस जिस कंट्री में वो डील कर रहा है, जिस कंट्री में वो अपना बिजनेस ऑपरेट करता है, उसके सोशल एनवायरनमेंट को समझना उसके लिए बहुत जरूरी होता है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू नोटिस द डायरेक्शन इन विच सोसाइटी मूव. इन विच डायरेक्शन सोसाइटी मूव, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ बिजनेस मैन टू नो द डायरेक्शन. He has to keep in mind the social reforms that take place in the society. उसको अपने mind में जो भी social reforms हो रहे हैं हमारी society में, time to time जो society में changes आते हैं, उनको अपने mind में रखना है, उसे notice करते रहना है कि क्या changes आ रहे हैं, ताकि वो भी उन changes के साथ चले, अपने business को change करे उन changes के according. Okay? And for this they have to do marketing research. उसको market research करना पड़ता है social factors के regarding, कि क्या चल रहा है market में, social environment कैसा चल रहा है. Clear? Like market research should be conducted to look into the changes that take place in the society. Like population size. Population का size क्या है, जिस country में हम deal कर रहे हैं अपना business operate कर रहे हैं, उस country का population size क्या है, उस कंट्री का पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मींस वहां पे कैसे लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं या अनएजुकेटेड लोग ज्यादा रहते हैं, यंग जनरेशन ज्यादा रहती है, वहां की जनरेशन ज्यादा लोग यंग हैं या ओल्ड एज के हैं या फिर किड्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, किस तरह से बनी है हमारी पॉपुलेशन, इस चीज का जानना भी एक बिजनेसमैन के लिए जरूरी है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल चलाने के लिए. ठीक है, मान लीजिए किसी कंट्री में ओल्ड एज पीपल ज्यादा रहते हैं लाइक जापान में, और जो जापान के प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐसी चीजें बनाएं जो यंग जनरेशन के लिए हैं, तो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट इतना नहीं बिकेगा, इतनी उसकी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ओल्ड एज हैं, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है जैसे वहां का स्ट्रक्चर है. अगर लोग अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, तब भी उसको देखना है कि लोगों की क्या, कैसा वहां का कल्चर है, कैसी वहां की चीजें हैं. Now, what is included in the element of social environment? What are the element of social environment and what are the impacts of these element on a business organization? First element is tradition. First element of social environment is tradition. Tradition means the social practices that has lasted for decades. जो कई दशकों से, कई टाइम से, कई पीढ़ियों से हमारे देश में, हमारे किसी उसमें जिसमें हमारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है कंट्री में, उसमें चलती आ रही हैं. ठीक है, लाइक हमारे फेस्टिवल्स, सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, ये क्या हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं जो हम कई सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं. ठीक है, कई सदियों से हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, दशहरा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, ट्रेडिशंस हैं. ठीक है, These festival creates opportunities for various business. अब ये जो traditions हैं हमारे, ये क्या करते हैं, business के लिए कई तरह की opportunities लेके आते हैं. Like अगर हम western countries की बात करें तो वहां पे Christmas business के लिए opportunity है. ठीक है, वहां पे product की demand उस समय increase हो जाती है, काफी सारे products है जिनकी demand increase हो जाती है, like sweets हो गया, chocolates हो गए, gifts हो गए, ठीक है, Christmas tree हो गया, तो इन सब की डिमांड वहां पे क्रिसमस के टाइम पे इंक्रीज हो जाती है. ऐसे हमारी कंट्री की अगर बात करें तो दिवाली के टाइम पे डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाती है. हमारी कंट्री में कई तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, दिवाली, दशहरा, ईद,
इन सब के टाइम पे हमारे जो बिजनेसेस की डिमांड है, हमारे उनके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उनके लिए ये फेस्टिवल क्या है, एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज है। उनको पता होना चाहिए कि अब ये फेस्टिवल आने वाला है तो उसी अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट लेके आए। ठीक है, आप देखते हैं जैसे राखी आती है तो लोग राखियां ले आते हैं अपने घरों दुकानों पे बेचने के लिए, जब दुर्गा पूजा आती है तो दुर्गा पूजा से रिलेटेड सामान ले आते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कौन सा फेस्टिवल कब आ रहा है, कब ईद आ रही है, कब दिवाली, कब दशहरा आ रहा है, कब क्रिसमस है, ताकि वो उनका फायदा उठा सके, उनका बेनिफिट ले सके। हमें इसको अपने एनवायरमेंट को स्कैन करना है। ठीक है, ऐसे कस्टम की बात करते हैं। कस्टम ही जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस। लाइक अगर हम हिंदू ट्रेडिशन की बात करें तो वहां पे गाय को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, उसको हम बड़ा पवित्र मानते हैं, हमारे उनके प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। तो अगर कोई बिजनेसमैन, फॉरेन कंट्री का कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहां पे आके बीफ सप्लाई करे, मींस काऊ का मीट, तो क्या लोग उसको इंडियन लोग एक्सेप्ट करेंगे? नो, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गेस्ट हो जाएंगे, बहुत बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए गाय बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस नहीं चलेगा बीफ का। फॉरेन कंट्रीज में भले ही चलता है, वेस्टर्न कंट्रीज में भले ही चलता है, लेकिन वही चीज यहाँ आके नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये हमारे कस्टम है, हमारे कस्टम हमको एलो नहीं करते कि हम ऐसा करें, तो इनसे हमारा बिजनेस इफेक्टेड होता है। ठीक है, अगर ऐसी कंट्री में आपने शुरू कर दिया जहां पे उसको लोग पसंद नहीं करते, फिर आपका बिजनेस सक्सीड नहीं करेगा, जो चल रहा है वो बंद होने लगेगा आपका बिजनेस। ठीक है, देन सोशल वैल्यूज, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द मोरल वैल्यूज दैट आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री, लाइक ऑनेस्टी, इक्विटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस। मोरल वैल्यूज, जो एक कंट्री में मोरल वैल्यूज प्रेजेंट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी मोरल वैल्यूज को बहुत ऊपर रखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल इक्वालिटी की बात करते हैं, मोरल वैल्यू कि सबको इक्वल बिहेवियर करो, सबके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ड्यू टू वैल्यू ऑफ इक्वेलिटी पुट फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव इक्वल स्टेटस एंड सैलरी टू द मेल एंड फीमेल इम्प्लॉइज फॉर द सेम वर्क। ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन टू गिव इक्वल सैलरी, टू गिव इक्वल स्टेटस टू देयर मेल एंड फीमेल इम्प्लॉय। मेल और फीमेल के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए अपने एम्प्लॉयज को। ऐसा नहीं है फीमेल एम्प्लॉयज को कम सैलरी देना, सेम पोस्ट पे काम कर रहा है लेकिन फीमेल इम्प्लॉयज को कम सैलरी दे रहे हो आप और मेल इम्प्लॉयज को ज्यादा दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी? अनइक्वालिटी हमारी मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट हो जाएगी और सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एफिशिएंट वर्कर्स चले जाएंगे, वो लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जब लेबर टर्नओवर इंक्रीज होता है तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है, उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट पड़ती है जब नए इम्प्लॉइज आते हैं तो। ठीक है, तो सोशल मोरल वैल्यूज को भी कंसीडर करना है कि एक देश में कौन सी मोरल वैल्यूज है, क्या चीज चल रही है, उसको आपने अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, लाइक फ्रीडम, फ्रीडम भी एक मोरल वैल्यू, हमें आजादी चाहिए, ये हमारी मोरल वैल्यू, भाई हम आजाद रहना चाहते हैं, किसी के दास नहीं बनना चाहते। फ्रीडम इज अ वैल्यू विच क्रिएट फ्रीडम टू चूज इन द मार्केट। इस फ्रीडम के मोरल वैल्यू के कारण से हमें मार्केट में चॉइस करने का राइट है, कोई हम पे कंपल्शन नहीं कर सकता प्रोड्यूसर मेरा प्रोडक्ट खरीदो। जी हम किसी शॉप पे जाए, उसने हमें दो प्रोडक्ट दिखाए, वो हम पे कंपल्शन नहीं कर सकता कि आप बी प्रोडक्ट लो, ये हमारे को च्वाइस है, हमें आजाद है प्रोडक्ट ले या ना ले। ऐसा नहीं है दुकान पे चढ़ गए तो भैया प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, बिना लिए आप जा नहीं सकते। नो, अगर ऐसा कोई करेगा बिजनेसमैन हमारे साथ तो वो लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारी मोरल वैल्यू के गेस्ट है, भाई तेरी दुकान पे चढ़ गए तो जबरदस्ती कर रहा है ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सोशल इन्वायरमेंट को जानना है कि हमारे देश में फ्रीडम है सबको चूज करने की, आप जबरदस्ती मत करिए, अगर ऐसा करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इक्वालिटी दीजिए, सोशल जस्टिस करिए। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करिए अपनी, जो आपकी सोसाइटी में, सोसाइटी के प्रति आपकी जिम्मेवारी है बिजनेसमैन को, वो भी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आईटीसी है, आईटीसी कंपनी जो रजिस्टर्स बनाती है, कॉपीज बनाती है, आपकी स्टेशनरी में डील करती है मोस्टली, वो क्या करती है अपनी सेल का कुछ परसेंट
पुअर पीपल्स की एजुकेशन पे लगा देती है, पुअर चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे, ठीक है। वो अपनी एड में लिखती है कि आप मेरी सेल का इतना परसेंट उसमें जाएगा, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ कि ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, ठीक है। तो हमें समझना है कि लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी का प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे लोग जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। अगर कोई इंडस्ट्री नॉइस पोल्यूशन कर दे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करे, तो लोग उससे दूर हटेंगे, उसका प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। इन चीजों को कंसीडर करना है कि लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं सोसाइटी में, तभी आपने आपने अपने बिजनेसमैन को फॉलो करना है। देन है हमारा सोशल ट्रेंड्स। अब ट्रेंड कहते ना, इस चीज का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उस चीज का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है, आज एक ट्रेंड है कल दूसरा ट्रेंड आ जाएगा। ट्रेंड मीन्स चेंज, इट रेफर्स टू अ जनरल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो दृष्टिकोण है वो बदलता रहता है, उसी को कहते हैं सोशल ट्रेंड, ठीक है। एजुकेशन के रिगार्डिंग हमारा ट्रेंड बदलता है, फैशन के रिगार्डिंग हमारा ट्रेंड बदलता है, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस के रिगार्डिंग हमारा ट्रेंड बदल रहा है। पहले एजुकेशन के बारे में बात करें तो गर्ल्स एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, हमारा उसके लिए दृष्टिकोण सही नहीं था, लेकिन अभी क्या है, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जा रही है। अब गर्ल्स की एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जा रही है तो बिजनेसमैन ने सोचा कि अगर गर्ल्स की एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जा रही है तो एक ऐसे व्हीकल की जरूरत है जिसको लड़कियां बड़ी आसानी से चला सके। अगर उनको किसी कोचिंग सेंटर पे जाना है या कहीं दूर अपने स्कूल में पढ़ने जाना है तो एक ऐसा उनको अपना प्राइवेट व्हीकल हो जिसपे वो आसानी से जा सके। तो इसको देखते हुए कि गर्ल्स की एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल कंपनी स्कूटी को लेके आई, ठीक है। अभी आप देखते हो कि स्कूटी की डिमांड ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बाइक, क्योंकि इसको हर क्लास का पर्सन चला सकता है, ठीक है। ओल्ड एज पीपल भी चला लेते हैं, बच्चे भी चला लेते हैं, और वुमेन्स भी चला लेती हैं, यंग जनरेशन भी चला लेती है, तो उसका ट्रेंड ज्यादा है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग चलिए जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। आप देन लाइक दिस वन, अवेयरनेस रिगार्डिंग द हेल्थ एंड फिटनेस। अभी हम अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, फिटनेस के रिगार्डिंग बहुत अवेयर हो गए हैं। अगर हम पास से कंपेरिजन करें तो अब हम ज्यादा उसके लिए अलर्ट है। तो इसे क्या हुआ, नए नए बिजनेस निकल के आए हैं। मिनरल वाटर का बिजनेस, पानी के काम चल गया, पानी का बिजनेस आ गया, साफ फिल्टर्ड पानी का। पहले कहाँ होता था मिनरल वाटर, पानी तो बिकता नहीं था कभी, अब पानी भी बिकता है, फिल्ट्रेशन वाटर, ठीक है। आरओ आ गया कि लोग फिल्टर पानी पीना चाहते हैं। फैट फ्री प्रोडक्ट्स आ गए हैं, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आ गए। ये सब किस कारण से आए हैं, सोशल ट्रेंड के कारण से, क्योंकि हमारा चेंज हो रहा है, हमारी सोच में बदलाव आ रहा है। फैशन लाइक फैशन ऑफ जीन्स एंड टी शर्ट डिक्रीज द डिमांड ऑफ शर्ट एंड पैंट। ये ट्रेंड आ गया, जीन्स का ट्रेंड है जी, टी शर्ट का ट्रेंड है। इसने क्या किया, शर्ट की और जो पैंट्स की डिमांड थी उसको डिक्रीज कर दिया। अब लोग शर्ट नहीं, पैंट नहीं डालते, जीन्स डालना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे जीन्स का फैशन चला जाएगा, ट्राउजर्स आ गए तो लोग ट्राउजर्स डालना पसंद करेंगे, फिर जीन्स खत्म हो जाएंगी, ट्राउजर आएंगे, ठीक है। देखते हैं हम धीरे धीरे अभी ट्रेंड्स किसकी तरफ जा रहा है। लोगों का जीन्स को डालना पसंद नहीं करते लोग, ट्राउजर्स को पहनना पसंद करते हैं। हाइजीन फैक्टर, इट इज ऑल्सो अ ट्रेंड। अभी हम साफ सफाई के प्रति बड़े अवेयर है, हाइजीन मोदी ने पूरा चलाया है स्वच्छ भारत अभियान, तो हाइजीन फैक्टर के कारण से अभी इंडस्ट्री में पैक फूड आने लगा है। मिल्क भी पैकिंग में आता है, दालें पैकिंग में आती है, फूड प्रोडक्ट्स मोस्टली एवरी प्रोडक्ट इज इन अ पैकेट, पैक्ड फॉर्म में आते हैं। तो ये सब किसके कारण से हुआ, सोशल ट्रेंड के कारण से, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।